हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। सो आज हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 2 स्टेजेस। क्या नाम था उन स्टेजेस का? फर्स्ट स्टेज थी हमारी द सेंसरी मोटर स्टेज एंड सेकेंड स्टेज थी हमारी द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हमने 2 सब स्टेजेस पढ़ी थी। आज हम करेंगे थर्ड स्टेज एंड द नेम ऑफ आवर थर्ड स्टेज इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बट बिफोर दिस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से ये थ्योरी समझ आ जाए, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो रिंग द बेल आइकन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड स्टेज एंड द नेम ऑफ आवर थर्ड स्टेज इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसका एज ग्रुप क्या है? इसका एज ग्रुप है फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। अब पढ़ते हैं दैट व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो रीड करो। ड्यूरिंग दिस स्टेज Children begin to thinking logically about concrete events. अब यहाँ इस स्टेज तक आते आते ना बच्चा जो है वो सोचना स्टार्ट कर देता है लॉजिकली। अभी तक हम पिछली स्टेजेस में पढ़ रहे थे कि बच्चे की इलॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। तो अब इस स्टेज में आते आते बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है उन चीज़ों के बारे में, किन चीज़ों के बारे में जो कॉन्क्रीट होते हैं, जिनको वो देख सकता है, जिनको वो टच कर सकता है। तो उन सारे इवेंट्स के बारे में वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। अब देखो इस स्टेज में आते आते बच्चे का जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट वाइड कप इज इक्वल टू दैट इन अ टॉल स्किनी ग्लास। जैसे कि एक वाइड कप है एंड एक टॉल स्किनी ग्लास है, दोनों में जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो सेम है। तो जैसे कि जो पहले, इससे पहले वाली स्टेज में बच्चा होता है वो सोचता है कि ये टॉल कप है, इसमें ज़्यादा पानी होगा। लेकिन इस स्टेज तक आते आते बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतना बिल्डअप हो जाती है कि बच्चे को पता है कि चाहे शॉर्ट वाइड कप हो या फिर टॉल स्किनी ग्लास हो, दोनों में अमाउंट ऑफ लिक्विड जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो बच्चे का कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स। अब इस स्टेज में आते आते बच्चे की जो थिंकिंग है वो रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। बच्चे को ये पता है कि 3 2 6 होता है एंड बच्चे को अगर मैं बोलूँगी कि इसको उल्टा करो 2 3 कितना होता है तो वो बता देगा कि 2 3 6 होता है। तो आप उससे किसी भी तरीके से पूछ सकते हो कि 2 3 6 एंड अगर मैं वही चीज़ बोलूँ कि 3 2 कितना होता है तो वो ये बता देगा कि 6 होता है, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है इस स्टेज में आते आते। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सीरिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? सीरिएशन का मतलब बच्चा अब चीज़ों को सीरीज में लगा सकता है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो बच्चा वो सारी चीज़ें प्रॉपर सीरीज में लगा सकता है। बच्चे का ये वाला कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब इस स्टेज में आते आते बच्चे की जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाती है एज वेल एज वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। दे बिकम मोर प्रैक्टिकल एज वेल एज रियलिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट बता रखा है दैट दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एक और कौन सा नाम है तो आप बताओगे कि प्री गैंग एज, या फिर इस स्टेज को लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये स्टेज क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ एंड द नेम ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेज इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज ग्रुप क्या है? ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 12 एंड लास्ट टिल adulthood, ठीक है। Now see what are the major characteristics and the developmental changes that takes place. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसकी ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। देन लिखा है दैट इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटिव थ्रू लॉजिकल यूज ऑफ सिम्बल्स। इसमें जो बच्चे की इंटेलिजेंस है वो डिमॉन्स्ट्रेट होती है थ्रू द लॉजिकल यूज ऑफ सिम्बल्स। आगे दे रखा है दैट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब बच्चा देखो इस स्टेज में आते आते बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है। कैसी अंडरस्टैंडिंग? मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अब आइडियाज, अब वो आइडियाज लगा सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? पिछली वाली जो स्टेज थी उसमें थे कॉन्क्रीट इवेंट्स। ठीक है, मतलब जिन इवेंट्स को वो देख सकता था, जिन इवेंट्स को वो टच कर सकता है। अब ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसकी, वो वाली अंडरस्टैंडिंग है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब आइडियाज। ठीक है, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है, जो उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो आइडियाज के थ्रू भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकता है। मतलब नाउ ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज गैंग एज। ठीक है, इस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है? इस स्टेज को एक और नाम से जाना जाता है, एंड द नेम ऑफ द स्टेज इज गैंग एज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीज। अब इस स्टेज में आते आते बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज Thoughts gets organized and matured। अब यहाँ पे आते आते जो बच्चे के थॉट हैं वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एज वेल एज और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इनकन्सिस्टेंसीज ऑल्सो। मतलब अब इस स्टेज में आते आते बच्चे को पता है कि कोई चीज़ अगर इनकन्सिस्टेंट है तो उसको उस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग कम्स। अब इस स्टेज में आते आते बच्चे की डिडक्टिव रीजनिंग है वो भी आ जाती है। डिडक्टिव का मतलब आपने ये पढ़े होंगे, अबडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड होता है कि किसी भी बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखानी है तो पहले सिंपल चीज़ सिखाओ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाओ। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में आते आते बच्चे की इंडक्टिव रीजनिंग तो होती ही होती है, एज वेल एज डिडक्टिव भी आ जाती है। डिडक्टिव का मतलब आप पहले उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपल की चीज़ों की तरफ ले जा सकते हो। मतलब पहले आप उसको रूल्स समझा दो एंड उसके बाद उसको एग्जाम्पल बताओगे, तब भी उसको समझ आ जाएगा। सो आई होप दैट दिस थ्योरी इज क्लियर टू यू नाउ। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक इट एंड कमेंट इट, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय।